बोर्ड पे आपको तीन फिगर दिखाई दे रहे होंगे और यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी के मिड पॉइंट्स दे रखे हैं पी क्यू आर एस। और जब हम इन मिड पॉइंट्स को मिलाते हैं तो हमें अंदर जो क्वाड्रिलेटरल मिलेगा वो हमेशा पैरेललोग्राम होगा, ठीक है, समांतर चतुर्भुज होगा। फिर यहाँ पर आप देख रहे होंगे दूसरा क्वाड्रिलेटरल और जिसमें ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स हैं पी क्यू आर एस, और इनको जब हम मिलाते हैं तो यहाँ पर भी आपको यहाँ पर पैरेललोग्राम प्राप्त होगा। फिर तीसरा क्वाड्रिलेटरल आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा ए बी सी डी, जिसकी चारों साइड्स अलग अलग हैं और इनके मिड पॉइंट्स को मिलाने पर भी हमें यहाँ पर पैरेललोग्राम प्राप्त हो रहा होगा। अब हाउ कैन दिस पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है कि हर क्वाड्रिलेटरल के साइड्स के मिड पॉइंट्स को मिलाने पर हमेशा और हमेशा पैरेललोग्राम प्राप्त हो रहा है, जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष भारत एजुकेशन में आज फिर से आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले हमने ज्योमेट्री में ट्रायंगल को बहुत अच्छे तरीके से फिनिश किया और उसके काफी क्वेश्चन भी सॉल्व किए और यहां तक आपने कंप्लीट कर लिया होगा, और यदि नहीं किया है तो पहले अच्छे से आप ट्रायंगल पढ़िए, फिर इसके बाद जो हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो आपका क्वाड्रिलेटरल होगा और हम इसे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, फिर इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस लगाना शुरू करेंगे। तो पूरा जब तक हमारा ज्योमेट्री फिनिश नहीं होगा तब तक हम कोई नया चैप्टर स्टार्ट भी नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए आप पहले से जितने भी पार्ट्स कंप्लीट हुए हैं पहले उनको देखिए, फिर इसके बाद आप क्वाड्रिलेटरल को देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्वाड्रिलेटरल की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। तो सबसे पहली बात अगर हम देखें तो ट्रायंगल में हमने पढ़ा था कि यदि कोई तीन साइड आपस में मिल जाए तो एक ट्रायंगल बन जाता है, ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होगी। अब मान लेते हैं ये ए, ये बी और ये सी है, लेकिन क्वाड्रिलेटरल में क्या होगा कि यहां पर आपके पास चार साइड्स होंगी। जैसे मैं यहां पर दो साइड्स और बना दूं कुछ इस तरीके से, ये बना दी मैंने दो साइड और, अब जब मैंने ये दो साइड और बना दी तो यहाँ पर मुझे ये जो शेप मिली वो क्या होगी आपकी क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, और इसको नाम दे दिया मैंने डी। अब आप ध्यान से समझिए, एक पर्टिकुलर जो ट्रायंगल होता था उस ट्रायंगल के तीनों कोणों का जो सम होता था वो क्या होता था 180, मतलब इस ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का जो सम होगा वो कितना होता था 180 होता था। लेकिन ये तो एक क्या है आपका चतुर्भुज है ना, क्वाड्रिलेटरल है, तो यहाँ पर जो एंगल्स बनने वाले हैं वो एंगल्स कितने होंगे आपके चार होंगे। अब इन चारों एंगल्स का जो सम होगा वो कितना होगा, तो आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ये 180 और यहाँ पर ये 180, टोटल कितना हो जाएगा आपका 360। इसका मतलब ये हुआ कि पहली प्रॉपर्टी हमें मिली कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर ट्राइंगल में तीनों का सम 180 होता है, तो यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल में कितना हो जाएगा आपका 360 हो जाएगा। अब आते हैं हम दूसरी प्रॉपर्टी पर। अब यहाँ पर माय डियर एस्पिरेंट ध्यान से समझिएगा, जब हम इसके एरिया की बात करें कि इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो आप समझिएगा एरिया निकालने के लिए मैंने आपको बताया था ट्राइंगल में कि यहाँ पर जब आप एरिया निकाल रहे होंगे तो एरिया के लिए आपको चाहिए इसकी हाइट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक परपेंडिकुलर डाल देता हूँ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, इसको नाम दे दिया मैंने एम, ठीक है। अब यहाँ से मैंने एक हाइट यहाँ से डी से परपेंडिकुलर बी सी पर खींचा, डी से परपेंडिकुलर बी सी पर खींचा और ये भी आपका 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसको मैंने नाम दे दिया एन, ठीक है। अब मैं इससे ये वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल लूंगा और इससे ये वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल लूंगा और पूरा का पूरा फिर मुझे क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा। जैसे यदि मैं पूरे क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी के एरिया की बात करूँ, ठीक है, इसके एरिया की बात करूँ तो इसका एरिया इन दोनों ट्राइंगल से मिलकर बनेगा, ठीक है, 1/2। यहाँ पर मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ट्राइंगल ए बी सी का एरिया, ट्राइंगल ए बी सी का एरिया प्लस ट्राइंगल बी सी डी का एरिया, ट्राइंगल बी सी डी का एरिया, जब इस एरिया को मैं प्लस करूंगा तो मुझे क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, देखिए ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हमारे पास दो कॉन्सेप्ट होते हैं, दो तरीके होते हैं, दो फार्मूला होते हैं। देखिए क्या क्या, जैसे यदि कोई एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में अगर हमें एरिया निकालना है तो यहाँ पर मेरे पास बेस होना चाहिए, ठीक है, और साथ ही हाइट होना चाहिए। तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये आपका एरिया हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि हमें थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री की ओर चलना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए ये वाली साइड ए है और ये वाली साइड बी है और इसके बीच का जो एंगल है वो थीटा है,
ठीक है, इसके बीच का जो एंगल है वो थीटा है। तो इसका एक तरीका और होता है जिससे हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, वो तरीका क्या है? वो तरीका ये है कि 1/2 दोनों साइड्स का मल्टीप्लाई a इंटू वी इंटू साइन थीटा, जो बीच में एंगल बनेगा ना ये वाला एंगल, उसके साथ साइन के साथ जब अपन इसको ले लेंगे। और ये क्या है, एक साइन रूल है, इसको आगे की क्लासेस में मैं आपको समझाऊंगा। अभी फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो मैं कुछ इस तरीके से भी निकाल सकता हूँ, 1/2 ए वी इंटू साइन थीटा, ठीक है। मगर मुझे इस तरीके से एरिया निकालने के लिए यहाँ पर ये एंगल दिया होना चाहिए, और जिन दो भुजाओं के बीच का एंगल दिया है आपको उसी को आपको यहाँ पर रखना है थीटा के प्लेस पर, ठीक है, और इन दोनों भुजाओं का मल्टीप्लाई और इंटू 1/2, ठीक है। अब यहाँ पर आप समझिए कि इसका एरिया क्या होगा, ट्रायंगल एबीसी का 1/2, बेस क्या है आपका बीसी है, इनटू यहां पर हाइट क्या होगी, हाइट में यहां पर H1 मान लेता हूं और ये मैंने मान ली H2, ठीक है, तो ये आपकी H1 होगी, प्लस यहां पर 1/2 बेस तो बीसी होगा इनटू H2। अब मैंने यहां पर कॉमन क्या आ रहा है, 1/2 बीसी, तो 1/2 बीसी कॉमन आ गया और अंदर क्या बचा, H1 प्लस H2, मतलब ये दोनों हाइट्स प्लस हो जाएंगी। तो ये आपका क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का एरिया निकल गया, ठीक है, ये आपका क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का एरिया निकल गया। इस तरीके से आप ये निकाल सकते हो। अब इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान से समझिएगा, यदि हम क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी में बात करें तो आप ध्यान से समझिए कि इससे पहले मैंने आपको सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए थे, ठीक है, अब वो सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगेंगे, यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल में भी वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट लग रहे होंगे। अब उन कॉन्सेप्ट से आप यहाँ पर तीसरी प्रॉपर्टी प्राप्त करोगे क्वाड्रिलेटरल की। चलिए देखते हैं तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, और इस ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल में यहाँ पर मैंने एक डायगोनल खींचा, ये हो गया आपका बी डी, बी डी एक डायगोनल खींचा, ठीक है, और यहाँ से ए सी मैंने एक डायगोनल और खींचा, है ना। अब यहाँ पर हुआ ये कि आप ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर ये दोनों लाइनें यहाँ पर क्रॉस हो रही हैं और मिड पॉइंट को मैंने नाम दे दिया यहाँ पर ओ, यहाँ पर जहाँ पर ये क्रॉस हो रही हैं, ठीक है। अब आप ध्यान से समझिए कि यहाँ पर ये वाली साइड ए हो गई, ये बी हो गई, ये सी है और ये डी है। अब ये 90 डिग्री का एंगल तो बना नहीं रही होंगी, है ना, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना नहीं रही होंगी, तो ऐसी स्थिति में मेरे पास यहाँ पर हाइट नहीं है। तो हमेशा आप ध्यान रखना, यदि ये आपका ये वाला एंगल यदि थीटा होगा तो ये भी आपका क्या होगा, थीटा होगा। अब यहाँ पर ये पूरा 180 होता है तो यहाँ पर ये बचा कितना आपका, यहाँ पर अगर पूरा 180 होता है तो थीटा माइनस कर दोगे तो ये बच जाएगा, तो 180 माइनस थीटा ये हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा आपका, 180 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी बचा हुआ है, ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा। अब आप ध्यान से समझिए कि इस तरीके से अगर अपन देखें तो यहाँ पर ये वाला ट्राइंगल ए बी डी इसमें, और फिर ये वाला ट्राइंगल बी डी सी इसमें, अगर हम इन दोनों में बात करें तो इनका एरिया जो होगा, ध्यान से समझना, इनके अगर अपन एरिया की बात करें, ट्राइंगल ए बी डी का क्षेत्रफल अपॉन ट्राइंगल बी डी सी का क्षेत्रफल, इनके क्षेत्रफल की बात करें तो उनका जो रेशियो होगा वो रेशियो, क्षेत्रफल का जो रेशियो होगा वो रेशियो इनकी भुजाओं के अनुपात में होगा। मतलब यहाँ पर ये हुआ कि ए बी डी अगर हमने ऊपर लिखा है तो ये यहाँ पर जो डी होगा, ये वाली साइड जो होगी डी अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ये आपका एक रूल है, ये एक प्रॉपर्टी है क्वाड्रिलेटरल में, और ये तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी है आपकी। अब ये हमेशा आप ध्यान रखना, यदि आपको ये वाली साइड निकालनी है और ये दी है और एरिया दिया है तो आप बहुत आसानी से इसका यूज़ करके निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बड़ी बात क्या है, ये कि ये कंडीशन आपकी यहाँ पर भी होगी, यदि हम इस ट्राइंगल की बात करें ए बी सी की, ट्राइंगल ए बी सी का क्षेत्रफल अपॉन यहाँ पर ट्राइंगल ए बी सी का क्षेत्रफल अपॉन ट्राइंगल ए सी डी का क्षेत्रफल अगर हम इसको निकालें तो यहाँ पर इसका जो रेशियो आएगा वो क्या जाएगा अपना, ए अपॉन सी, ठीक है।
अब ये आ कैसे रहा है वो आप ध्यान से समझिए। अगर मैं ए बी डी का क्षेत्रफल निकालूंगा तो क्या होता है, बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो यहाँ पर बेस दोनों में सेम है तो बेस से बेस कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, क्या बचेंगी साइड्स बचेंगी, इसीलिए यहाँ पर ये हो रहा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ मैं एक परपेंडिकुलर खींच दूँ, ठीक है, और यहाँ से लेकर मैंने एक परपेंडिकुलर और खींच दिया यहाँ पर, ठीक है, ये आपका एच वन हो गया और ये आपका एच टू हो गया। अब सेम चीज़ वो यहाँ पर लगाएंगे तो एरिया के थ्रू हम ऐसे इसको प्रूफ कर सकते हैं। क्या प्रूफ हो जाएगा आप खुद ही बताइए, यहाँ पर 1/2 बेस इंटू हाइट, वैसे यहाँ पर 1/2 नीचे रहेगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 से 1/2 कैंसिल, और बेस दोनों में सेम है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये एच वन और ये एच टू, ठीक है, इन दोनों का रेशियो आ जाएगा। तो वैसे ही आप ध्यान से समझना, यहाँ पर ये जो क्षेत्रफल का जो रेशियो है, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल का रेशियो त्रिभुज बी डी सी के क्षेत्रफल का जो रेशियो होगा वो उनकी भुजाओं के अनुपात डी अपॉन सी, ठीक है, और इसके साथ साथ उनकी हाइट के रेशियो के इक्वल होगा एच वन अपॉन एच टू। तो ये आपकी तीसरी प्रॉपर्टी हो गई भाई, ध्यान से लिख लेना इसे। अब आते हैं हम चौथी प्रॉपर्टी पर। चौथी प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल मेरे पास है और इस क्वाड्रिलेटरल में मैंने इसको नाम दे दिया ए बी सी डी। अभी आप ध्यान से देखिएगा, इनके मिड पॉइंट, ठीक है, बी सी का मिड पॉइंट पी हो गया और ए बी का मिड पॉइंट यहाँ पर क्यू हो गया और ए डी का मिड पॉइंट यहाँ पर आर हो गया और डी सी का मिड पॉइंट यहाँ पर एस हो गया। अब इन मिड पॉइंट्स को यदि मैं मिलाता हूँ, कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा, यदि मैं इन मिड पॉइंट्स को मिला देता हूँ इस तरीके से, तो हमेशा और हमेशा बीच में जो आपको क्वाड्रिलेटरल मिल रहा है ये वाला पी क्यू आर एस, ये हमेशा पैरेललोग्राम होगा, ठीक है, पैरेललोग्राम होगा, ध्यान रखना, मतलब समांतर चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज होगा ये। अब ये क्या सिर्फ इसी क्वाड्रिलेटरल में लगेगा, नहीं, कोई सा भी किसी भी प्रकार का क्वाड्रिलेटरल बनाइए, हमेशा यदि आप मिड पॉइंट्स को मिलाते हुए क्वाड्रिलेटरल अंदर बनाएंगे तो वो हमेशा पैरेललोग्राम ही होगा। अब लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि भाई ये पैरेललोग्राम होगा क्यों, इसके पीछे रीजन क्या है, तो समझिएगा चौथी प्रॉपर्टी में हम ये जानते हैं कि ये पैरेललोग्राम क्यों होगा। आप खुद ही सोचिए, अगर आप यहाँ से बी से डी तक यहाँ से एक डायगोनल खींचते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक बी से डी तक एक डायगोनल खींचते हैं, मान लेते हैं मैं इसको डी वन दे देता हूँ, तो मैंने आपको एक ट्राइंगल में प्रॉपर्टी समझाई थी कि हमेशा और हमेशा यहाँ पर यदि एक ट्राइंगल ए बी सी दिया है और इसके पैरेलल मैं यदि कोई एक लाइन खींचता हूँ, ठीक है, इसको मिड पॉइंट को मिलाते हुए, जैसे ए बी का मिड पॉइंट यहाँ पर ये हो गया एम और ए सी का मिड पॉइंट हो गया यहाँ पर एन, तो हमेशा होगा ये कि ये जो बी सी की जो लेंथ होगी, बी सी की जो लेंथ होगी वो होगी 2mn, 2mn, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर mn बराबर होगा बी सी अपॉन 2, मतलब ये हुआ कि mn की जो वैल्यू होगी वो बी सी का हाफ होगी, ठीक है, ये होता है। तो आप खुद ही सोचिए, यदि आप यहाँ पर ये एक ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर आप सिर्फ इतने ट्राइंगल की बात करें, ए बी डी की अगर हम बात करें, तो ट्राइंगल ए बी डी में जब आप ध्यान से देख रहे होंगे और यहाँ पर ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, तो यहाँ पर ये जो लाइन हमने खींची है ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो आप बताइए यदि ये डी वन है तो ये क्या होगा, डी वन अपॉन टू होगा कि नहीं होगा, ठीक है। वैसे ही यदि हम यहाँ पर एक डायगोनल खींचते हैं ये वाला, अब इस डायगोनल के पैरेलल आपको ये वाली लाइन दिख रही होगी पी क्यू, ठीक है, मतलब यदि ये दूसरा वाला डायगोनल मैंने डी टू मान लिया तो ये आपका क्या होगा, डी टू अपॉन टू होगा, तो ये डी टू अपॉन टू होगा तो ये भी आपका सामने डी टू अपॉन टू होगा और ये आपका डी वन अपॉन टू है तो ये वाली लाइन जो है पी एस ये भी आपका डी वन अपॉन टू होगी। तो इस तरीके से हमें पता चला कि यहाँ पर जो साइड्स हैं आमने सामने की साइड सेम हो गई सेम, देखिएगा अंदर जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है उसमें आमने सामने की जो साइड्स हैं वो कैसी हो गई, सेम। अगर ये सेम है तो आप बताइए यहाँ पर ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा, ये आपका होगा पैरेललोग्राम, क्योंकि आमने सामने की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो हमेशा इक्वल होती हैं पैरेललोग्राम में। और ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर जो डायगोनल्स काट रहे हैं वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल हो,
अब 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा तो यहाँ पर पैरेललोग्राम तो कन्फर्म ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे के पैरेलल हैं, साथ ही साथ साइड्स अपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं, ठीक है। तो ये आपकी चौथी प्रॉपर्टी थी जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। और हमेशा ध्यान रखना कि इसमें यदि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक है, अगर यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन गया तो नीचे भी 90 डिग्री का एंगल रहेगा, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल रहेगा और यहाँ भी रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ 90 रहेगा तो यहाँ भी रहेगा, ठीक है, यहाँ भी 90 रहेगा, यहाँ भी 90 रहेगा। तो इसके अंदर जो बनेगा फिर वो रेक्टेंगल बनेगा। यहाँ पर यदि आमने सामने यहाँ पर यदि 90 डिग्री का एंगल बन गया, मतलब डायगोनल यदि किसी क्वाड्रिलेटरल के 90 डिग्री के एंगल पर कट कर रहे हों, तो फिर वो वहाँ पर अंदर वाला जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा होगा वो आपका क्या होगा, रेक्टेंगल होगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आप अच्छे से लिख लेना, ये आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। तो अगली प्रॉपर्टी की यदि हम बात करें, देखिए फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ पर ए बी सी डी आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, और इसमें आप यहाँ पर ध्यान रखना कि ये प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर होगा एंगल एक्स प्लस एंगल वाई, ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर होगा एंगल एक्स प्लस वाई। अब ये कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। आप बताइए यदि ये बाह्य एंगल, ये जो एक्सटर्नल एंगल है वो यदि x है और ये पूरा होता है 180, तो ये अंदर वाला कितना होगा, 180 माइनस एक्स होगा, ठीक है। वैसे यहाँ पर ये बाह्य वाला जो है, बाहर वाला जो है वो क्या है आपका y है, तो अंदर वाला कितना होगा, 180 माइनस y होगा। अब यहाँ पर ये एंगल a है और ये आपका b है। अब ध्यान से समझिए, मैंने आपको प्रॉपर्टी क्या बताई थी कि चारों एंगल्स का जो सम होता है क्वाड्रिलेटरल में वो आपका 360 होता है। तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस 180 माइनस एंगल x और प्लस 180 माइनस एंगल y बराबर कितना होगा आपका, 360 होगा, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, इन चारों का सम है ये, ठीक है। अब 180 और 180 कितना हो जाएगा आपका, 360, और यहाँ पर माइनस एक्स और माइनस वाई को उस तरफ ले जाओ, सबको उस तरफ ले जाओगे तो a प्लस बी बराबर 360 से 360 कैंसिल हो जाएगा, और माइनस एक्स और माइनस वाई को उस तरफ ले जाओगे तो प्लस का x और प्लस का y हो जाएगा। तो इस प्रकार जो प्रॉपर्टी हमें प्राप्त हुई वो क्या हुई कि यहाँ पर हमेशा ये एंगल a और एंगल b आमने सामने के, और ये बाह्य एंगल x और y इन दोनों के सम के इक्वल होता है, ठीक है। ये आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी हो गई। अब इसके बाद आते हैं अपन अगली प्रॉपर्टी पर। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है। अब इस क्वाड्रिलेटरल में अंदर बताया गया कि भाई इनका जो विकर्ण है, इनके जो डायगोनल हैं वो 90 डिग्री पर कट करते हैं, ठीक है। ये ए बी सी डी आपका एक क्वाड्रिलेटरल हो गया, ए बी सी डी, ठीक है। और यहाँ पर ये ऊपर 90 डिग्री पर कट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या बनेगी, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर हमेशा बराबर होगा बी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर के, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। तो ये आपकी छठवीं प्रॉपर्टी होगी क्वाड्रिलेटरल की। अब कैसे होगा वो समझिएगा। अब देखिए यदि यहाँ पर ये 90 डिग्री पर कट करेंगे तो ये आपका क्या होगा, कर्ण होगा, ठीक है, हाइपोटेनियस बनेगा, ये आपका बेस हो जाएगा और ये आपका यहाँ पर परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बताती है कि ए बी स्क्वायर, ध्यान से समझना, ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पर ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। अब अगर हम इस बी ओ सी में, ट्राइंगल बी ओ सी में बात करें तो यहाँ पर हमें दूसरी कंडीशन में क्या मिलेगा, बी सी स्क्वायर बराबर बी ओ स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर मिलेगा। अब यहाँ पर ट्राइंगल, ये वाले ट्राइंगल में बात करें तो सी डी स्क्वायर बराबर हमें मिलेगा ओ डी स्क्वायर प्लस यहाँ पर ओ सी स्क्वायर मिल जाएगा। और यहाँ पर ये वाले ट्राइंगल में बात करें तो यहाँ पर क्या होगा आपका, ए डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर बराबर हमें क्या मिलेगा, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, ठीक है, यही मिलेगा। अब आप ध्यान से देखिएगा, यदि मैं ए बी और सी डी, ये वाला ए बी स्क्वायर और सी डी स्क्वायर इन दोनों को प्लस करता हूँ, ठीक है, और साथ ही साथ बी सी स्क्वायर और ए डी स्क्वायर को प्लस करता हूँ, तो आप देखिएगा ए बी और सी डी को जब मैंने प्लस करा तो मुझे क्या मिला, ए ओ, ओ बी, ओ डी और ओ सी। अच्छा, सेम चीज़ आपको यहाँ पर भी मिल रही होगी। यहाँ पर देखिए
OB, OC और यहाँ पर AD की अगर हम बात करें तो OA, OD, मतलब जब इनका जो दूसरी तरफ वाला जो पार्ट होगा वो कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। आप देखिए बिल्कुल सेम मैच कर रहा होगा। देखिए BO यहाँ पर दिख रहा है, OB यहाँ दिख रहा है, ठीक है। AO यहाँ दिख रहा है तो यहाँ दिख रहा है, ठीक है। और इसके अलावा अगर अपन बात करें यहाँ पर OD ये दिख रहा है तो OD आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। और OC यहाँ दिख रहा है तो यहाँ दिख रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पार्ट है AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, ये आपका सही होगा। तो आप ध्यान रखना, इसको डायरेक्टली याद कर लें आप, ताकि क्या हो कि एग्जाम में आपको कोई भी एक साइड निकालनी हो तो आप आसानी से निकाल पाए किसी भी क्वाड्रिलेटरल में। तो ये आपकी 6th प्रॉपर्टी हो गई। अब आते हैं हम 7th प्रॉपर्टी पर। अब देखिए अब आते हैं हम 7th प्रॉपर्टी पर। तो यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल आपको दिया गया है, ठीक है, ABCD, और यहाँ पर एंगल A का बायसेक्टर ये खींचा मैंने, और यहाँ पर एंगल B का बायसेक्टर मैंने ये खींचा, ठीक है। और ये यहाँ पर पॉइंट O पर जाकर मिलते हैं। अब एंगल बायसेक्टर का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता चुका हूँ पहले। मतलब कि ये हुआ कि एंगल A को बराबर दो भागों में ये बांटता है, ठीक है। अगर ये बीटा होगा तो ये भी आपका बीटा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमेशा एंगल AOB की वैल्यू क्या होगी, एंगल AOB की जो वैल्यू होगी वो होगी एंगल C प्लस एंगल D अपॉन 2, ठीक है। यदि आप एंगल C को एंगल D में प्लस कर देते हैं और 2 का भाग लगा देते हैं तो आपको एंगल AOB मिल जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये आया कैसे, ध्यान से समझना। क्वाड्रिलेटरल की एक बेस्ट प्रॉपर्टी है ये, इससे आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर कभी आपको AOB निकालना हो तो सीधा सीधा आप करें क्या, एंगल C में एंगल D को प्लस करके और यहाँ पर 2 का भाग लगा दें। अब देखिएगा यहाँ पर ये प्रॉपर्टी आई कैसे, ध्यान से समझिए। अभी हम जानते हैं कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग, मतलब कि ये हाफ एंगल, मतलब पूरा एंगल जो है, एंगल AY2 प्लस एंगल BY2 प्लस, इसको हम मान लेते हैं यहाँ पर O दिया है तो हम O ही ले लेते हैं इसको, एंगल AOB, ठीक है, बराबर कितना होता है आपका 180 डिग्री। अब आप ध्यान से समझिए, अगर हम इस क्वाड्रिलेटरल में बात करें तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C और एंगल D बराबर कितना होगा आपका 360। अब यहाँ पर हमें हाफ की वैल्यू चाहिए तो हम करते क्या है, पूरा हाफ कर देते हैं। पूरा हाफ करा हमने यहाँ पर, ये 2, ये 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ पर भी 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका 180 हो जाएगा, ठीक है। अब हम करें क्या कि यहाँ पर एंगल A प्लस एंगल B की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें पुट करना है। तो ये एंगल A प्लस एंगल B की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगी, इसको आप ले जाओ उस तरफ ले गए तो हमें एंगल A अपॉन 2 और एंगल B अपॉन 2 बराबर मिलेगा हमें 180 माइनस एंगल C अपॉन 2 माइनस एंगल D अपॉन 2, यही मिलेगा। अब ये वैल्यू उठा के रख दीजिए आप कहाँ पर, यहाँ पर रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो इसकी जगह पे ये वैल्यू रख सकते हैं तो ये वैल्यू रख दीजिए, तो 180 माइनस एंगल CY2 माइनस एंगल DY2 और यहाँ पर प्लस एंगल AOB बराबर क्या दिया है, 180 दिया है। अब ये उस तरफ ले जाओगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और इसको उस तरफ ले जाओगे तो एंगल AOB बराबर आपको क्या मिलेगा, एंगल CY2 प्लस एंगल DY2, तो ये मिलेगा आपको, और यही हमें निकालना था, ठीक है, यहाँ पर यही आपको दिया है। तो ये आपकी 7th प्रॉपर्टी हो गई, और इससे आप डायरेक्ट आगे जाकर क्वेश्चन कर सकते हो। अच्छा, इससे पिछले वीडियो में मैंने इसके कुछ क्वेश्चन भी करवाए हैं तो आप वो भी देख सकते हो। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो 8वीं प्रॉपर्टी होगी हमारी। यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल ABCD दिया गया है जिसमें आपको AC और यहाँ पर BD एक डायगोनल है, ठीक है, ये दोनों डायगोनल है और ये यहाँ पर बीच में किसी पॉइंट पर कट करते हैं, ठीक है, और उस पॉइंट का नाम हो गया O। अभी आप ध्यान से समझिए, इसका जो एरिया होगा और इसका जो एरिया होगा, ये एरिया और इसका एरिया, इन चारों ट्रायंगल्स के जो एरिया होंगे इनके बीच जो संबंध होगा वो क्या होगा, देखिए A1 इंटू A3 बराबर A2 इंटू A4, ठीक है,
अब इनमें से किसी एक का एरिया निकालना होगा तो हम इस संबंध से एरिया निकाल सकते हैं। ये क्वाड्रिलेटरल की बेस्ट प्रॉपर्टी है, जब एसएससी के आप मेंस लेवल के एग्जाम दोगे वहाँ पर इसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अभी आप ध्यान से समझिए, अगर मैं इतनी साइड को बी ओ को ए नाम दे दूँ, इसको वी, इसको सी और इसको डी, स्मॉल नेम दे दिए मैं इनको ए बी सी डी, तो आप ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी जिसमें मैंने आपको एरिया निकालना सिखाया था। कैसे, जैसे मान लीजिए दो साइड्स आपको दी हैं एक ट्रायंगल में, ये ए है और ये बी है, ठीक है, और यहाँ पर एक एंगल दिया है थीटा, तो आपको अगर एरिया निकालना है इस ट्रायंगल का तो आप कैसे निकालेंगे, 1/2 ए इंटू वी इंटू साइन थीटा, ठीक है, इससे आप इसको निकालेंगे। अब ये कैसे आया है? मैं आपको बाद में किसी वीडियो में समझा दूंगा, फिलहाल आप इतना याद रखिए कि इसका एरिया हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब प्रॉपर्टी नंबर यहाँ पर 8 में हम ये समझेंगे कि a1 इंटू a3 इजकल्स टू a2 इंटू a4 कैसे होता है। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर एक पहली कंडीशन जो हमें मिलेगी वो क्या, अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें तो इस ट्राइंगल में यदि ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल क्या होगा आपका, 180 माइनस थीटा होगा। वैसे ही अब ये थीटा है तो इसके सामने वाला भी क्या होगा, थीटा, तो ये कितना होगा आपका, 180 माइनस थीटा होगा कि नहीं। अब यदि हम बी ओ सी ट्राइंगल की बात करें, मतलब A1 निकालें, तो A1 निकालने के लिए हमें क्या मिलेगा, 1/2, ध्यान से समझना, 1/2 ए बी इंटू साइन थीटा होगा, ए बी इंटू साइन थीटा, यही होगा इसका एरिया। ऐसे ही जब हम A2 निकाल रहे होंगे तो A2 कैसे निकलेगा, A2 की अगर हम बात करें तो A2 बराबर 1/2 ए बी इंटू, यहाँ पर आपको साइन 180 माइनस थीटा। अब आप जानते होंगे कि साइन 180 माइनस थीटा की जो वैल्यू है ट्रिग्नोमेट्री में, मैं आपको पढ़ाऊंगा, 180 माइनस थीटा की जो वैल्यू है वो होती है क्या, साइन थीटा। तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, 1/2 ए बी इंटू, यहाँ पर साइन थीटा ही मिल जाएगा, ठीक है। ऐसी तीसरी कंडीशन में अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा आपका, A3 का यदि हम एरिया निकालें तो BC 1/2 BC इंटू क्या मिलेगा आपको, साइन थीटा। वैसे ही चौथे नंबर पे यदि हम बात करें तो यहाँ पर A4 का एरिया निकालें तो 1/2 CD इंटू क्या मिलेगा आपको, साइन थीटा। 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा हो जाएगा। अब यदि हम इन ट्राइंगल्स की बात करें तो आप ध्यान से समझना, A1 इंटू A3, तो A1 में A3 का मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिलेगा, 1/4 मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिलेगा, ABCD और साइन स्क्वायर थीटा, यही मिलेगा। वैसे ही आप A2 का A4 में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, 1/4 ABCD साइन स्क्वायर थीटा होगा इक्वल। तो इस प्रकार इन दोनों का एरिया A1 इंटू A3 और A2 इंटू A4, इन दोनों का एरिया हमेशा कैसा होगा, इक्वल होगा। लेकिन इसमें आप हमेशा और हमेशा ध्यान रखना कि ये जो क्वाड्रिलेटरल होगा ये हर एक क्वाड्रिलेटरल में रियल होगा, सच होगा, और ये हर एक क्वाड्रिलेटरल में लगेगा भी। तो आपको यहाँ पर ये समझना है कि ये जो कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको 8 के 8 जो पढ़ा है क्वाड्रिलेटरल के, ये अच्छे से आप समझिए, इनके नोट्स बनाइए, और नोट्स बनाकर अब नेक्स्ट टाइम मैं आपको इसके क्वेश्चंस करवाऊँगा तो उन क्वेश्चंस को आप ध्यान से करिए। और इसके अलावा जो भी आपका डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाइए, ताकि लोग ज्योमेट्री को जितना ज़्यादा टफ समझते हैं वो उसको ध्यान से समझ पाएँ और आसानी से एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चंस कर पाएँ और उन्हें ज्योमेट्री टफ ना लगे। थैंक यू।